इस जो कल एक जत्था आया था और जो क्लेम करता था कि हम बड़े पुरमन थे, आज उन्होंने दिखाया कि एक पुलिस के ऑफिसर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुए, और हमारे जो जत्था आया था वो भी पिछले दिनों क्लेम कर रहे थे कि हमारे बहुत से लोग जख्मी हो चुके हैं। अगर उनके बहुत से लोग जख्मी हो चुके हैं या एक या दो भी हुए हैं तो वो कौन से अस्पताल में एडमिट हैं? क्या आपकी लीडरशिप ने जाकर उनकी तीमारदारी की है कि वो कौन से अस्पताल में हैं? इस वक्त जो है माजी में भी और इस वक्त भी पीटीआई का एक ही एजेंडा है, मुल्क दुश्मनी। पिछली दफ़ा जब चाइना के सदर शी जिनपिंग आ रहे थे तो इसी जगह पर जहाँ पर आप और हम खड़े हैं, यहाँ पर एक धरना दिया गया था और उनके दौरे को सबोताज किया गया था। आज दोबारा जब हमारे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए और हमारे एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। इससे पहले जब आईएमएफ के पास हम जा रहे थे पिछली हुकूमत में, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा पेश किया, 9 मई भी मुलविस थे, और आज एससीओ के जो है उसके इजलास को खुदा न खासा सबोताज करने के लिए एक मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे थे। और इसकी जो सबूत है उसका जो सबूत आपके चैनल्स पे नज़र आया, जो इनके इंफॉर्मेशन एडवाइज़र है खैर उफा के, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को दावत दूँ कि हमारे जलसे से आकर खिताब करें। तो मतलब है कि आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर आपने दावत देनी थी एज ए सियासतदान तो सबको दावत देते, आपने एक मखसूस शख्स को दावत दी जो मुल्क दुश्मनी आप अपने उसके तरफ है। लिहाजा जिस किस्म का कल ड्रॉप सीन हुआ और हमारे वज़ीर आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्त और पोशी में हैं, पीटीआई भी ढूंढ रही है उनको, उनके जो वर्कर जिनको सरोसबानी की हालत में छोड़ गए हैं, और एक ड्रामा रचाया जा रहा है सुबह असम्बली का इजलास बुलाकर कि उसकी जो खुद साख्त और पोशी है उसको जो है वो डाला जाए हुकूमत के खाते में। अगर उनको कहीं गिरफ्तार किया है तो मुझे बताया कि इतने कैमरास थे, सारी चीज़ें मीडिया पर नज़र आ रही थी, मोबाइल से भी कैमरे से भी, अगर उनको गिरफ्तार किया तो कोई क्लिप तो दिखा दे कि उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कल से खुद साख्ता और पोशी इख्तियार की हुई है, मज़े लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं तो पहले भी कहता हूं कि जब पीटीआई के दोस्तों को पता चलेगा कि वो इलेक्शन के दौरान किसके मेहमान थे, इलेक्शन कैसे मैनेज किया, सीएम कैसे बने, और जितनी उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से न निकले ताकि हम करप्शन के मज़े लूटें। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक ही चीज़ हो रही है, करप्शन करप्शन और करप्शन, और उसके बाद वो सोचते हैं कि हमने कहाँ पे जलसा करना है, कहाँ पे धरना देना है, कहाँ पे नाच गाना करना है। ये डेंगी का मच्छर तो मार नहीं सकते खैबर पख्तूनख्वा में, और इधर आकर जो है बड़े बड़े भड़के मारते और उसके बाद सुने कि गाड़ी के डिग्गी में गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि ये सारे पख्तूनख्वा की मैं नाक कटवाई है, डिग्गी में फरार होना जो नहीं मतलब है कि अगर आके बरसर उनके साथ इतना बड़ा जत्था था जो कह रहे थे। और सबसे बड़ा सबसे खौफनाक बात यह है कि इनके हर जुलूस में लोगों को दहशतगर्दों को इस्लामाबाद लाहौर और पंजाब सप्लाई किया जाता है, असला स्मगल किया जाता है, असला लाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में सप्लाई किया जाता है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर या पिंड हो या बाकी शहरों। शुक्रिया। अगर कोई सवाल जनरल राज के बारे में बात की जा रही है, ये बता दें जनरल राज जिस सूबे के आप गवर्नर हैं तो क्या आप तस्लीम करते हैं कि विकेट है कि विकेट की दूसरी साइड पे एस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरा ये बताइएगा क्या गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं? देखिए कि विकेट की दूसरी तरफ जो है ना कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट हो। जहाँ तक गवर्नर राज का मसला है, आईन में मौजूद है। जब आप देखें कि बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी हो रही थी उस वक्त जो है हमारी अपनी हुकूमत थी और हमने अपनी हुकूमत सस्पेंड की थी, और जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत आई तो वो कह रहे थे कि हम लाशों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस वक्त मेरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा आग की होली में खेल रहे हैं और हमारी हुकूमत जो है वो जो है उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। कल भी जो शहादतें हुई हैं आपके सामने हैं, हमारे फौज के नौजवान शहीद, असर के बाद जो है मिलिटेंट्स हमारे अक्सर ज़िलों में कब्जा कर जाते हैं, उनका गश्त होता है, नो गो एरियाज बन चुके हैं, हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। अगर गवर्नर राज लगेगा तो मरकज जो है वो उसका प्रोगेटिव है, अगर वो समझते हैं कि गवर्नर राज इस मसले का हल है तो वही बेहतर समझते हैं, जो भी बेहतर समझ गवर्नर ठीक है मैं जवाब दे रहा हूँ। गवर्नर है उस सूबे के
चीफ मिनिस्टर नहीं मिल रहे और आपके वो रिश्तेदार भी हैं, अजीज भी हैं, आपको कोई दुख नहीं है इस बात का? जो अयाशे कर रहा है और कोशिश कर रहा है उसे क्या दुख होगा आपको? दूसरी बात बात गवर्नर रूस में कोई शक नहीं है। आप कौन से चैनल से? कौन से चैनल से? चैनल नहीं सर, तो देखिए मुझे मुझे जो है बिल्कुल कोई दुख, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो बंदा अगर शराब की बोतलों में मतलूब हो, गैर कानूनी से मतलूब हो, 9 मई में मतलूब हो, इसरार गंडापुर जो कि सुबह इनके वजीर थे उनके कत्ल में मुलविस हो, तो आप उसको कैसे कहेंगे उसके लिए खुश होगी? जहाँ तक आप मेरे भाई ने बात की है ओआईसी के इजलास के मुतलिक, उस वक्त आपके इतला के लिए अर्ज है, कौन से चैनल से? एबीएन से। जी मैं बता रहा हूँ, आप उसमें यह है कि आप जाकर, एक मिनट, आप जाकर इसके दोबारा अपने जो आपके जो सर्वे करते हैं, जो आपकी वो करते हैं, ओआईसी का इजलास उस वक्त कौमी असम्बली के हॉल में बुलाया गया था और कौमी असम्बली के हॉल को एक साजिश के तहत डिक्लेयर कर रहे थे कि ये हॉल जो है इसके अंदर और कार्रवाई नहीं हो सकती, जिस वक्त अदम एतमाद की तारीख चल रही थी। तो इसलिए कहा गया था कि पहले अदम एतमाद की तारीख नहीं बढ़ लें, फिर ओआईसी का इजलास करें। हमने कभी भी शेख जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी के फंदे पर लटकाया गया, कभी भी हमने मुल्क दुश्मनी नहीं की, कभी भी हमने जीएचक्यू पे हमला नहीं किया, कभी भी हमने जो है किसी कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं किया, कभी भी हमने अपने शोदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जानें दी और कुर्बानी दी उनके मुजस्मों को नहीं तोड़ा, कभी भी हमने 9 मई नहीं किया। लिहाजा हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमने कहा पाकिस्तान फर्स्ट, लेकिन पीटीआई के हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं, अगर हम नहीं है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी ना हो। सबसे बड़ा काफिला निकला केपी के से अली मीन गंडापुर की क्यादत में, वो यहाँ पहुंचे हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा उनके जो साथ जो पुलिस अहलकार थे उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस पर जो है तशद्दुद किया, इस चीज को कैसे रोके? आप भी कर लेंगे सवाल है, देखें बिल्कुल खुद साख्ता उसकी है और आप ये पता चल जाएंगे, तो मैं कोई देखिए इस वक्त जो है हुकूमत कोई क्लेम नहीं करी, आपके जो है इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कोई ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं है, अगर गिरफ्तारी होती पुलिस उसको पकड़ के ले जाती किसी गाड़ी में, किसी डाले में, किसी बस में, तो कोई फुटेज तो बन जाती, सारी दुनिया वहाँ पर मौजूद थी, कोई फुटेज मौजूद नहीं है। तो खुद साख्ता जो है वो रिपोर्ट के सामने है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की है कि यहाँ पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ है, PMS से भत्ते लिए गए हैं जुलूस को कामयाब करने के लिए, अपने इंतजामिया से गाड़ियाँ ली गई हैं जुलूस को कामयाब करने के लिए, उनकी इंक्वायरी हुई है, उन्होंने प्राइवेट शेल खरीदे थे हमारे जो है पुलिस और स्टेट को के ऊपर शेलिंग करने के लिए, उसकी इंक्वायरी हो रही है, जो भी इंक्वायरी में मुलविस होगा उसको करावा की सजा दी जाएगी।